हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इन हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा आप सभी बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना ध्यान रख रहे होंगे हाँ बेहतरीन तरीके से ही तो रखना है बेटा क्योंकि यदि हमने अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो सारा सिर से लेकर पाँव तक का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है और हम चाहते हुए भी अपने काम में फोकस्ड नहीं हो पाते बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप हमारा थोड़ा सा भी यदि हेडिक भी हो जाता है ना उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें ऐसा लगता है सिर दर्द ही सबसे बड़ा दर्द है और अब हम और कोई काम कर ही नहीं सकते तो बस सिर दर्द हो या हाथ पैर दर्द हो या हमारा स्वास्थ्य हो बस यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये कि भरपूर नींद आवश्यक है खान पीन ज़रूरी है और अपना डेली रूटीन जो है कि जिसमें हम अपने आप की बॉडी के लिए कुछ कर सकें अपने शरीर के लिए कुछ कर सकें क्योंकि अक्सर हमारा जो शरीर है हाथ पैर मुंह आँख सब कुछ हमारे लिए सब कुछ करती रहते हैं दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं अब हमें भी तो उनको कुछ देना चाहिए तो एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से उनका हम ध्यान रख सकते हैं तो बेटा इतनी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हम जब भी कोई कार्यों में जुटे रहते हैं चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हों तो हम सब कुछ भूल से जाते हैं कि ना खा रहे हैं टाइम पर ना टाइम पर सो रहे हैं लेकिन ये काम जरूरी है ताकि हम अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से बहुत अच्छे से कर सकें ठीक है चलो तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ हाँ कक्षा बार हिंदी दिगंत बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और इसी पाठ्य पुस्तक से आठ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जैसा कि आपने कहा था कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लाइए वन शॉट रिवीजन लाइए तो लेकर आ चुके हैं नामवर सिंह जी ने ये पाठ लिखा है नाम है प्रगीत और समाज आप प्रगीत और समाज क्या है इसी का तो वर्णन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं कवि के जीवन परिचय की ओर और।, और जानते हैं कि महाकवि नामवर सिंह जी का जन्म कब हुआ था उनका जीवन काल क्या रहा यह सब कुछ हम जानेंगे लेखक हैं नामवर सिंह जन्म 18 जुलाई 1926 सौ छब्बीस कहाँ बनारस उत्तर प्रदेश कब हुआ बेटा 1800 सो उन्नीस नॉट अठारह जन्म हुआ 28 जुलाई ठीक है 28 जुलाई और 1926 में बनारस उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 28 जुलाई 1926 बनारस उत्तर प्रदेश और निधन 19 फरवरी 2019 नई दिल्ली कब हुआ बताइए 28 जुलाई 1926 बनारस में उत्तर प्रदेश में फिर 19 फरवरी 2019 में निधन हुआ नामवर सिंह जी का साथ ही साथ यदि हम बात करें रचनाओं की तो पारदर्शी नील जल में ये उनकी रचनाएं हैं विजन गिरिपथ पर चटखती धुंधुवाता अलाप आज तुम्हारा जन्म दिवस ये है नामवर सिंह जी की रचनाएं यदि कुछ ऑप्शंस में आ जाएं जो कि आपके एमसीक्यूज़ क्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यदि उनमें इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से उसका आंसर दीजिएगा चलो तो ये है नामवर सिंह जी द्वारा रचित निबंध ठीक है और प्रगीत और समाज सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समाज को तो हमें बताएगी ठीक है, है व्यक्ति व्यक्ति से परिवार परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण हो गया लेकिन प्रगीत क्या है क्योंकि कविता का नाम है प्रगीत और समाज तो गीत में एक उपसर्ग जुड़ गया है प्र प्रगीत अब आप बताइए प्रगीत का क्या अंतर हो सकता क्या अर्थ हो सकता है इसका कोई बताएंगे आप में से कोई भी आशुतोष बताइए आदित्य गुप्ता बताइए क्या लग रहा है आपको प्रगीत क्या हो सकता है बेटा प्रगीत और समाज समाज हमें पता है तो प्रगीत और समाज मतलब समाज और प्रगीत का कोई तो संबंध है तभी तो प्रगीत और समाज साथ में आए हैं प्रगीत को यदि मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गीत तो हमें पता है ना गीत क्या होते हैं जो लयात्मक तरीके से लिखे जाते हैं चाहे वो कविताएं हो, छंद हो, वो सब गीत के अंतर्गत आते हैं तो प्रगीत मतलब लिरिक्स ठीक है जो हम पढ़ पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं जिनके माध्यम से समाज में बहुत से परिवर्तन आए हैं सकारात्मक परिवर्तन आए हैं इससे पहले हमने क्या पढ़ा था इससे पहले हमने विद्यापति जी की नहीं इससे पहले हमने सिपाही की माँ पढ़ा था ठीक है और भी हमने बहुत सारी कविताओं के माध्यम से यहाँ देखा था तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ जानते हैं कि नामवर सिंह जी ने इस निबंध में प्रगीत और समाज के माध्यम से हम सबको क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है ठीक है ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रश्न जरूर आएंगे इस चैप्टर से प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह प्रगीत के उदय के ऐतिहासिक और समाज का समाज कारणों की पड़ताल करते हैं पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर प्रगीत और समाज में ऐसा कौन सा रिश्ता है उनका मानना है कि प्रगीत हिंदी की अपनी लोकपरक जातीय काव्य संवेदना का आधुनिक विकास है अब उन्होंने क्या माना कि प्रगीत क्या है उन्होंने माना कि प्रगीत हिंदी की अपनी लोक लोकपरक जातीय काव्य संवेदना का आधुनिक विकास है मतलब लोक परक लोग जो रहते हैं जनता समाज तो उसी के जो काव्य संवेदना है जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर सके वही प्रगीत है ऐसा उन्होंने माना पुस्तकों में भी जीवन का यथार्थ पूर्णता के साथ उपस्थित होता है तो कहते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है जो भी साहित्य में लिखा रहता है वो क्या होता है समाज की ही तो परिभाषा होती है और समाज क्या करता है समाज भी साहित्य से बहुत सारा अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण भी करता है मतलब समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक रहते हैं तो यहां पर बात बताई जा रही है कि पुस्तकों में भी जीवन का यथार्थ पूर्णता के साथ उपस्थित होता है हिंदी कविता का जातीय इतिहास मूलतः प्रगीत का इतिहास है मतलब जब पहले गीत गाए नहीं जाते थे यदि आप सोचो जरा, पहले एकदम से तो कलर मूवीज हमारे सामने नहीं आई ना पहले ब्लैक एंड वाइट आई और उससे पहले मूक फिल्मों का था कि सबसे पहले एक फिल्म आई थी बोलती फिल्म आलम आरा जो शायद 1930 या 1931 में रिलीज हुई थी उससे पहले मूक फिल्म आती थी जो कई चित्रों को उठा उठा कर एक चित्र बनाकर उनको चित्रों को ही घुमाया जाता था तो वहाँ जो पर्सनस हैं या हीरो हीरोइन से उनका मूवमेंट नहीं होता था ठीक है तो बात ये बता रहे हैं कि हिंदी कविता का जातीय इतिहास जो कविता का इतिहास है वो प्रगीत का इतिहास है मतलब कविता के यदि इतिहास की बात करें तो प्रगीत का ही इतिहास है प्रगीत मतलब लिरिक जो लिखा हुआ है किताबों में तो जैसे जैसे हम किताबों को पढ़ते गए काव्यात्मक उनमें जो सुंदरता है अलंकारिक क्षमता है उसको विकसित करते गए और वो गीतों में विकसित होकर सबके मनों में उतरते गए भावनाओं में बसते गए जातीय इतिहास से यह तात्पर्य है कि हिंदी भूमि के जनमानस से संबंध कविता रूपों के विकास का इतिहास ठीक है विद्यापति जिन्हें इस आधार पर हिंदी का पहला कवि माना जाता है प्रगीत के माध्यम से यदि हम बात करें तो विद्यापति जी को सबसे पहला कवि माना जाता है प्रगीत के माध्यम से उन्होंने गीतों से ही अपनी रचना यात्रा आरंभ की थी मतलब विद्यापति जो कि रीतिकाल या प्रेम के सब सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं उन्होंने गीतों से ही अपनी रचना की यात्रा शुरू की थी गीत लिखे पहले फिर हिंदी साहित्य में आ गए और रचनाएँ और कविताएँ और दोहे और छंद लिखने लगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था पूछा जा सकता है कि विद्यापति ने अपने जीवन के या जो कवि हैं उसके जीवन का प्रारंभ कौन सी रचना से किया था तो आप कह सकते हैं बेटा इन्होंने गीतों से ही अपनी रचना यात्रा आरंभ की उनकी परंपरा का विकास संतों और भक्तों की प्रगीतात्मक वीडियो में लक्षित किया जा सकता है ठीक है तुलसी तुलसीदास जी की बात की गई है विनय पत्रिका की बात की गई है और उनके अलावा भी कबीरदास जी सूरदास जी नानक रैदास, नानक मतलब गुरु नानक रैदास आदि ने लोक भाषा की परिष्कृत गीतात्मक से प्राण ग्रहण करते हुए अपने प्रगीतात्मक काव्य रचे बात स्टार्ट कहाँ से हो रही है तुलसी से या कहें हम सूर सूरदास जी तो और तुलसीदास जी से पहले के हैं सूरदास जी का जन्म चौदह में हुआ था और मृत्यु हुई थी पंद्रह में यदि तुलसीदास जी की बात करें तो जन्म ही उनका पंद्रह में हुआ था और मृत्यु हुई थी सोलह में यदि कबीरदास जी की बात करें तो चौदह सौ तेरह सौ अट्ठानवे कबीरदास जी का जन्म है यदि मुझे सही याद है और नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ठीक है नानक हुए रैदास जी हुए और इन सभी ने अपनी लोक भाषा की परिष्कृत गीतात्मक से प्राण ग्रहण करते हुए अपने प्रगीतात्मक काव्य रचे मतलब इन्होंने सभी ने इस तरह के काव्य की रचना की जिसके माध्यम से वे मना स्थिति को जानकर व्यक्ति के भीतर या व्यक्ति के मन में छुपी भावनाओं को देख सकें और उनको कविता का रूप देकर सबके समक्ष व्यक्त कर सकें इन प्रगीतों की चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता के रूप में प्रतिफलित हुई और भक्ति काव्य एक आंदोलन के रूप में जनमानस के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गया भक्ति काव्य की यदि हम बात करें तो ये जितने भी नाम आप दे सकते हैं तुलसीदास जी हों सबसे पहले हम लिखते हैं सूरदास जी क्योंकि सूरदास जी तुलसी से भी पहले के हैं सूरदास ठीक है, है? तुलसीदास कबीरदास अच्छा कबीरदास जी तो और पहले के हैं कबीरदास इस तरह की यदि हम बात करें तो ये ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने भक्ति का एक आंदोलन के रूप में जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए वे इसका विकास आधुनिक काल तक देखते हुए बताते हैं कि हिंदी आधुनिक कविता एक प्रगीतात्मक सौंदर्य शास्त्र को विकसित कर रही है मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो हिंदी काव्य है वे सौंदर्य शास्त्र को भी विकास की ओर ले जा रही है सुंदरता की ओर क्योंकि जहाँ कहीं हम बात करें गद्य खंड की तो गद्य खंड में वो सुंदरता नहीं आती है जो काव्य खंडों में होती है अब इसलिए तो काव्य और गद्यों में अंतर होता है काव्यों की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं छंद होते हैं अलंकार होते हैं दोहे होते हैं चौपाइयाँ होती हैं चौपाइयाँ जैसे आपने वो सुना होगा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दो है यदि हम बात करें राम नाम मन दीप धरू जिहवा देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सी उजियार या फिर हम बात करें आ, अपने सूरदास जी की बात करें या रसखान जी की बात करें तो इन्होंने भक्ति काव्य में एक अनूठी एक अनोखी सुंदरता हिंदी साहित्य को प्रदान की तो ये सब प्रगीत प्रगीत मतलब काव्य के अंतर्गत ही आते हैं बाहर छोटी से छोटी घटना स्थिति वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की सबका यही प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है समाज में तभी तो प्रगीत और समाज को एक साथ रखा है तो जो भी समझ में आता है या जो भी दिखाई देता है समाज में लता प्रकृति सब कुछ उन सभी की जो बाहरी क्रियाएं है रहती हैं बाहरी प्रतिक्रियाएं है रहती हैं उनको किस तरह से काव्य के रूप में पोषित करके उनको सभी के समक्ष लाया जाए क्योंकि जिस प्रकार से गीतों को लोग सुनते हैं ना आनंद के पूर्वक उस तरह से निबंध को नहीं सुनते हैं उस तरह से किसी हाँ कहानी का रूप हो तो सुन सकते हैं लेकिन कोई भी गद्य हो उसको इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं सुना जाएगा लेकिन यदि कोई कविता है कोई गीत है तो बड़े आनंद लेकर सुना जाता है ठीक है तो यही बता रहे हैं कि इसी तरह बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह अर्थात आधुनिक कविता तो रोमांटिक ताकि हद तक व्यक्तिवादी आत्मपर कलावादी हो ना ही सामाजिक यथार्थ के प्रति यांत्रिक रूप से संवेदित मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो कविता है ना तो वो एकदम से रोमांच भरने वाली है और ना ही एकदम मशीनी युग कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब बैलेंस बनाकर चलती है एकदम यह है कविता किसी जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि की जगह व्यक्ति और समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को उनके संश्लेषण में देख रही है अर्थात जो रचना है जो कविता है वो हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंचती है उसकी रूह तक को छू जाती है गीत या कविताओं में तो वो शक्ति होती है जो व्यक्ति के अंतर्मन को छू जाती है यहाँ किसी प्रकार का पूर्वाग्रह और दुराग्रह नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक कलाबोध आधुनिक कविता की विशेषता के रूप में देखी जा सकती अब यहाँ क्या दिखाया जा रहा है बेटा इस पैराग्राफ या इस वाक्य के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रगीत जो है कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि जो चला आ रहा है रीति रिवाज में बस इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा इसलिए हमें ये गाना पड़ेगा या फिर कोई दुराग्रह नहीं है कि नहीं आप इतना ही लिखो ऐसा ही करो मतलब ऐसा कुछ नहीं है अपने मतलब कि ये क्या है लोकतांत्रिक कला बोध और आधुनिक कविता की विशेषता के रूप में देखी जा सकती है लोकतांत्रिक कला बोध मतलब जो व्यक्ति के मन में उपजने वाले भाव हैं जो व्यक्ति के मन में आने वाली संवेदनाएं हैं, उठने वाली संवेदनाएं हैं उन्हीं का सौंदर्य उन्हीं को कलात्मक तरीके से उनकी सृजनात्मक तरीके से रचना करके शब्दबद्ध तरीके से रचना करके काव्यबोध लिख देना या कविताएं लिख देना ताकि सबके हृदय को छू जाए प्रगितों के इस आधुनिक उन्नयन के क्रम में शमशेर जी त्रिलोचन जी नागार्जुन केदारनाथ सिंह मतलब ये सब ये बताया है कि निबंध चाहे वो निबंध हो आ, मतलब ये तो प्रगीत और समाज एक निबंध है लेकिन उसमें बताया क्या है कि प्रगीत क्या है और समाज में इसकी क्या आवश्यकता है ठीक है तो यह और बात हम करते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई आलोचक निबंध प्रगीत और समाज कवि की आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है ये याद रखो आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गीत और प्रगीत जो निबंध है वो उनकी कौन सी पुस्तक से लिया गया है वाद विवाद संवाद से इस निबंध में नामवर सिंह ने प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में लिखा है प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है बस आप ये सोचो कि प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है यदि आपसे कोई पूछ लेगी प्रगीत क्या है तो आप सोचो कि भाई देखो गीत तो हमने सुना था लेकिन प्रगीत क्या है गीत भी वही है जो गीत है गीत में स्पेशल या कुछ खास विशेषताएं जुड़ने से वो प्रगीत हो गया उपसर्ग जुड़ने से वो प्रगीत हो गया ठीक है जैसे दिन प्रतिदिन प्रति जुड़ गया प्रा, ठीक है तो यहां पर गीत प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है यही बताया है कवि ने लेखक आगे लिखते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है मतलब कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है जो भी कविताएं हैं उन पर समाज के दबाव को बहुत ही तेजी से फील किया जा रहा है महसूस किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है देखो ऐसे वातावरण में लेखक उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं जो लंबी और मानवता से भरी हुई हैं इसमें प्रगीत नामक काव्य के रूप को सामाजिक प्रकृति और भावना को दिखाया गया है तो यहाँ क्या बता रहा है बेटा कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है यहाँ भी जो रचनाकार है, एक पहली बात तो ये समझ लो आप कि जो रचनाकार रहता है ना वो किसी एक धर्म जाति या वर्ग विशेष का नहीं होता है चाहे वो कविताएं लिखे चाहे वो निबंध लिखे चाहे वो कहानियां लिखे उपन्यास लिखे वो हर एक वर्ग के लिए समभाव लेकर रचना करता है समान दृष्टि उसकी होती है किसी भी वर्ग या विशेष के प्रति उसकी कोई पक्षपात नहीं रहता है सबसे बड़ा जस्टिस यही है उसका सबसे बड़ा न्याय यही है लेकिन उसके बाद भी समाज का जो दबाव है उसको देखा जा सकता है अब आगे बताया जा रहा है कि इसमें प्रगीत नामक काव्य के रूप को सामाजिक प्रकृति और भावना को दिखाया गया जो हजारों वर्षों से हिंदी काव्य की परंपरा का इतिहास रहा है तो इसमें बताया गया है कि कैसे प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचना में अपनी जगह बनाई और अपने महत्व और गुणों को दर्शाया अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है देखो लिरिक बात आई ना लिखी हुई हम कहते हैं कि किसी भी गाने की लिरिक्स तो वहां पर हमें लिपिबद्ध तरीके से मिल जाती है उसकी रचना तो क्या दिया है अपनी व्यक्तिता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत मतलब लिरिक क्या है अथवा मतलब लिरिक या प्रगीत एक ही कोटि में है काव्य की कोटि में आती है प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वह सामाजिक जीवन को व्यक्त या समझा नहीं पाती हैं और ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है तो यहां पर यही बताया है नामवर सिंह जी ने आधुनिक हिंदी कविता में गीती की जाती है आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संध्या संज्ञा दी गई है तो क्या है अब देखो क्या लिखा है यहां पर इस सेंटेंस को याद रखना आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक के मिश्रण से नूतन मतलब नया भावभूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगीत की संज्ञा दी गई है तो जो भी आधुनिक हिंदी कविताएं हैं उनमें गीत और मुक्तक मतलब कभी कभी मुक्तक मतलब जो छंदबद्ध ना जो बंधे हुए ना है ऐसा नहीं है कि जिनकी जो पंक्ति रहती है उसकी बात वाली जो मात्रा है वो समान हो ठीक है तो उसमें ये बताया है कि किस तरह से ये लिखा जाता है अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के आ, मतलब जिन्होंने हिंदी का इतिहास नामक रचना की है हिंदी का इतिहास इनका यदि हम पढ़ें तो सब समझ में आता है कि हिंदी का इतिहास कब से शुरू हुआ तो उन्होंने क्या कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे क्योंकि प्रबंध काव्य मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है सूर सागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है कला कला की पुकार कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर कर यहां भी उसी का जमाना है यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है मतलब कहने का तात्पर्य है कि लंबी लंबी रचना करने से तो अच्छा है सुंदर सी सटीक सी संक्षिप्त सी रचना कर दी जाए और उसी में आनंद उठा लिया जाए प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष बीसवीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से है इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद हुआ जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधित विचारों तथा भावनाओं को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि हुए और अधिकांशता उन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखे उन्होंने क्या लिखे हैं यदि बात हम करें मैथिली शरण गुप्त जी की तो उन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखे जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया था प्रबंध काव्य लिखे ठीक है मैथिली शरण गुप्त जी की बात की जा रही है अब हम चलते हैं इसी से संबंधित प्रश्नों की ओर प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो भी प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं उन प्रश्नों को समझ लो ताकि और भी तरीके से यदि प्रश्न पूछे जाए तो उनके उत्तर आप लिख सको क्लियर है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे मतलब उनके जो सिद्धांत थे आदर्श थे या आइडियल वो क्या थे ठीक है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे प्रबंध काव्य ठीक है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है अब आपके मन में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि प्रबंध काव्य क्या होते हैं तुरंत ही उत्तर भी मिल गया होगा कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है मतलब पूरी झांकी होती है प्रबंध काव्य में मनुष्य जीवन की आप कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य में मनुष्य जीवन का संपूर्ण सार या पूरी झांकी या पूर्ण दृश्य होता है ठीक है उसमें घटनाओं की संबंध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले उसे नवा भावों को रसाफक अनुभव कराने वाले प्रसंग होते हैं यही नहीं प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय प्रेम जातीय भावना धर्म प्रेम या आदर्श जीवन की प्रेरणा देना भी उसी का उद्देश्य होता है तो प्रबंध काव्य किसे कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन संबंधी सभी घटनाओं को उजागर किया जाए जैसे प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं धर्म के प्रसंग भी हो सकते हैं समाज में रहने वाले राष्ट्रीय चेतना के प्रसंग भी हो सकते हैं तो प्रबंध काव्य में ये सब कुछ शामिल होता है प्रबंध काव्य की कथा चूंकि यथार्थ जीवन पर आधारित होती है जो प्रबंध काव्य है उसकी जो कथा होती है ना स्टोरी वो यथार्थ मतलब वास्तविकता वास्त ठीक है दिखाई दे रहा है वास्तविकता चलो एक बार फिर से लिख दूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको देखो बेटा ये जो शब्द लिखा है ना यथार्थ इसका अर्थ होता है ठीक है वास्तविकता दिखाई दे रहा है ना चलो तो इससे उसमें असंभव और काल्पनिक कथा का चमत्कार नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के विविध पक्षों का स्वाभाविक और औचित्यपूर्ण चित्रण होता है शुक्ल को सूर सागर इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है आधुनिक कविता ने उन्हें शिकायत की थी कि कला कला के लिए पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहां भी उनसी का जमाना ही है बताकर कहा जाने लगा कि हम ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहा जिनमें कुछ दतिवृत्ति भी मिलता हो मतलब लंबी लंबी कविताओं के स्थान पर आप शॉर्ट एंड स्वीट गीत पढ़े जाने लगे कब की बात है तब की बात है और आज की यदि हम बात करें तो अब तो और भी शॉर्ट एंड शॉर्ट का जमाना आ गया है कि हर जो कार्य है वो जल्दी से हो और बहुत संक्षिप्तता हो मतलब अधिक डिटेल में जाना ही नहीं है बस शॉर्ट एंड स्वीट हो अब अगला प्रश्न आया कला कला के लिए सिद्धांत क्या है ये भी एक सिद्धांत है अभी अभी बात हुई ना कला कला के लिए कला भी है और कला के लिए है तो ये सिद्धांत है तो क्या है कला कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मक का कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है क्या है बेटा कला कला के लिए सिद्धांत क्या है इसका अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है कला कला के लिए जो कला है जो आर्ट है जो आ, मतलब कह सकते हैं ना इनोवेशन इनोवेशन है या हमारी एक आ, मतलब जो हमारे अंदर छुपी हुई ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं जिनों जिनको हम कलात्मक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं तो कला कला के लिए कला है लेकिन किसके लिए है कला के लिए अर्थात कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है रस है मधुरता है रस मतलब आनंद है <coughs> सॉरी इसीलिए प्रगीत मुक्तकों या लिरिक्स की रचना का प्रचलन बढ़ा है इसके लिए यह भी तर्क दिया गया है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने और सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है सबको चाहिए संक्षिप्त रूप संक्षिप्त में कम समय में अधिक मिल जाए बस वही चाहिए बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है ऐसी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिलता रहता है उबाऊ होती जाती इतिवृत्त मतलब कहाँ से शुरू हुई थी फिर शुरू होकर कहाँ चली जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी बेटा आज हम नामवर सिंह जी की कविता बताइए प्रगीत और समाज पढ़ने जा रहे हैं और उस समा प्रगीत और समाज को पढ़ने से पहले हम ये जाने कि ये कविता इसमें क्यों दी गई है तो ये भी आवश्यक तो है लेकिन साथ ही साथ और बहुत सारी बातों को भी मैं शामिल करती जाऊं शामिल करती जाऊं और कविता प्रारंभ भी ना करूं तो आप कहेंगे आज मैडम को क्या हो गया है कितना उबाऊ बोरिंग पढ़ा रही हैं कमेंट देने लगेंगे मैडम जल्दी जल्दी कीजिए हमारी परीक्षा आ रही है ऐसे पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ संक्षिप्त रूप में हो अच्छा हो हो सुंदर जिसमें कि सबको इंटरेस्ट भी आए और सबको समझ में भी आए तो उबाऊ नहीं होनी चाहिए विशुद्ध काव्य की सामग्री ही कविता का आनंद दे सकती है यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है मतलब जो लिरिक्स हो एकदम सटीक हो सुंदर हो उतना ही हो जितना की आवश्यक हो अधिक बढ़ा चढ़ा कर उसमें दुनिया भर के हाथ जोड़ पैर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है सुंदर हो और स्पष्ट हो अगला प्रश्न है प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है सबसे पहले हमें इस प्रश्न में क्या बताया गया है क्या पूछा गया है कि आप ये बताइए कि प्रगीत है क्या उसके साथ ही दूसरा प्रश्न आया है कि इसके बारे में प्रगीत के बारे में धारणा क्या रही है कैसी धारणा रही है लोग जो लोग बाग थे या पहले के जो व्यक्ति थे उनके बारे में मतलब प्रगीत के बारे में उनके विचार क्या रहे थे प्रश्न ये पूछना है तो अब आप बताइए कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे तो प्रगीत अर्थात वो गीत जो गाया जा सके ऐसा गीत जो लिरिक्स में हो अर्थात जो लिखा हुआ हो और जो संक्षिप्त हो क्या ये सही परिभाषा होगी हाँ आप कहोगे यस मैडम ये सही परिभाषा होगी क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है अभी अभी आपने कहा है तो बेटा कोई भी प्रश्न जब पूछा जाएगा सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि वो प्रश्न कितने अंक का है ठीक है यदि दो तीन अंक का है तो हम उसकी परिभाषा लिख देंगे और रामचंद्र शुक्ल जी के विचारों को लिख देंगे या हम सूर कवि और तुलसी कबीर इनका एग्जाम्पल देकर समाप्त कर देंगे यदि प्रश्न आया है, है पांच नंबर का तब हमें उसे विस्तृत रूप से बताना होगा कि कहां से शुरू और कहां तक खत्म हुआ हुआ है क्लियर हुआ? तो देखो अपनी और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है तो अपनी प्रतीकात्मकता मतलब जो उदाहरण दिए जाते हैं जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है उसको यदि हम देखा जाए तो वो काव्य की श्रेणी में आते हैं उसको ही हम प्रगीत कहते हैं इतना समझ में आया क्या लिखा है बेटा देखो अपनी व्यक्तिकता मतलब व्यक्तिकता मतलब आ, व्यक्ति के गुण व्यक्तिकता व्यक्ति मतलब पर्सन की बात नहीं की गई व्यक्तिकता मतलब एक इंडिविजुअल के साथ साथ सब की बात की गई है और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आता है कि जो भी कविताएं लिखी गई हैं कोई भी किसी भी गीत को कोई क्यों पसंद करता है यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जल्दी से मुझे लिखकर बताओ तो आप लोग तुरंत जो सबसे पहले गीत आएगा ना उसको लिख कर बताओगे वो क्यों गीत आपके क्लोज है क्यों आप उसी गीत की पंक्तियां सबसे पहले याद आई हैं आपको क्योंकि वो आपके मन तक गया है और वो कभी नहीं भूल सकते आप तो वही तो लिरिक्स हैं जो लिरिक्स या जो शब्दावली हम भूल नहीं पा रहे हैं वो हमारे अंदर है मन में है तो उसी के कारण वो उच्च कोटि में आ गया प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं सामाजिक यथार्थ मतलब समाज में जो वास्तविकता है ये रियलिटी है इसकी अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती और ना ही उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है बस मनोरंजन है सुंदरता है ठीक आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भूमि पर जो गीत लिखे गए हैं उन्हें ही प्रगीत की संज्ञा दी गई है सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धर्मी कविताएं नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक होती हैं मतलब व्यक्तिक होती हैं और आत्मपरक होती हैं आत्मपरक मतलब जो आत्मा तक छू जाए कहते हैं अरे आज तो इतना अच्छा गीत था कि समझ में नहीं आ और मैं उसमें डूब गई या मैं खो गया इतना अच्छा गीत गाया गया जैसे कभी कभी गीत या सिंगर्स कोई आ जाते हैं हमारे पसंदीदा गीत लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो तो हम अपना काम छोड़कर भी उन गीतों को सुनने जाएंगे क्यों क्योंकि वो हमारे दिल तक छू जाते हैं इस कारण से ठीक है यह सामान्य धारणा है इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त मिलता रहा हो या बहुत लंबे लंबे गीत या उसी को खींच खींच के खींच खींच के लंबा किया जाए तो ऐसे गीत हो चाहे कविता है कोई भी उनको पसंद नहीं करता है क्योंकि उसमें फिर उबाऊ हो जाती है बोरिंग हो जाती है क्लियर अगला प्रश्न है वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा प्रश्न ही बड़ा साइंटिफिक सा लग रहा है प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या अभिप्राय है क्या कोई कविताएं ऐसी भी होती हैं जिनमें नाटक की प्रस्तुति नजर आए कि कोई कविता बिल्कुल चल रही है कि हाँ एक दृश्यात्मक तरीके से, तरीके से कविता चल रही है आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है प्रश्न है वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या अभिप्राय है साथ ही साथ आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर होता है एक तो आत्मकरक प्र, आत्मपरक प्रगीत और दूसरी नाट्य धर्मी कविता इन दोनों में क्या अंतर है आत्मपरक प्रगीत मतलब जो दिल से दिल तक मतलब छू जाए और दूसरा नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है क्या आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं में कोई अंतर है पूछा यही गया है हां देखो अब हम जानते हैं कि वस्तु परख नाट्य धर्मी कविताओं में जीवन के समग्र चित्र उपस्थित हो जाते हैं किसमें बेटा वस्तु परक धर्मी कविताओं में जीवन के समग्र मतलब सभी मैक्सिमम चित्र उपस्थित हो जाते हैं वो चित्र शामिल हो जाते हैं नाट्यधर्मी वस्तुपरक नाट्यधर्मी वस्तुतः मुक्ति बोध की लंबी रचनाएं वस्तुपरक है वस्तु परंतु आत्मसंघर्ष ज्यादा मुखरित है ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है किसी किसी में तो नाटकीय रूप के बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है नाट्य रूपांतरण चल रहा है मतलब जो कविताएं हैं उनका नाट्य रूपांतर चल रहा है लेकिन वहीं पर उन्होंने ये बताया कि कुछ कुछ कविताओं में तो प्रगीत भूमि भी है मतलब कुछ कविताएं शॉर्ट एंड स्वीट हैं हाँ कहीं नाटकीय कला लाभ होता है कला लाभ कल एक अलाप होता है मतलब नाटक और प्रगीत एक साथ नजर आते हैं तो कहीं पूर्णतः शुद्ध प्रगीत जैसे सहर्ष स्वीकारा है या फिर मैं तुम लोगों से दूर हूं जैसा कि मुक्ति बोध स्वयं लिखते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जिन्होंने सहर्ष स्वीकारा है कविता लिखी है उसमें उन्होंने इसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं मैंने कभी परमात्मा से कोई शिकायत नहीं की तो ये भी एक गीति काव्य में ही आती है नाट्य काव्य में ही आती है जैसा कि मुक्ति बोध स्वयं लिखते हैं कि निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है जो भी कथा सहर्ष स्वीकारा में उन्होंने दी है या कोई भी रचनाओं में उन्होंने अपनी कविता या अपने विचार लिखे हैं वो मात्र आभास है ठीक है और उसी के साथ नाटकीयता केवल मरीचिका का है मृग मरीच का मतलब कल्पना है वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की ही होती है इमोशंस की ही होती है ठीक है कोई भी नाटक या सीरियल या फिल्म की हम बात करें तो जब कभी हम नाटक देख रहे होते हैं फिल्म देख रहे होते हैं तो वहां कोई सीन चल रहा है वहां कोई दृश्य चल रहा है और यहां पर हम बैठे हैं और आंसू बहने लगते हैं ऐसा क्यों क्योंकि वो भावना तक सीधे हमारे दिल तक पहुंच गया है ठीक है जहां नाटकीयता है वहां वस्तुतः भावों की गतिमयता है मतलब जहां नाटकीयता है वहां भावों की गतिमयता भी है बिल्कुल आगे पीछे भाव इमोशंस होते रहते हैं क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है नाटकों में जीवन के जो भाव रहते हैं या जो भी घटनाएँ रहती हैं उनको सच्चाइयों को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता किसी कवि की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है तो एक कवि की सबसे बड़ी शक्ति है उसके और शब्द और उन्हीं शब्द शब्दों को वो पिरो ऐसी सुंदर कविता की वे रचना कर देते हैं जिससे लोगों के दिल तक पहुंच जाए चाहे वे नाटक हों चाहे जैसे नाटक की हम बात करें और कहानी की हम बात करें या फिर दृश्यात्मक बात करें या काव्य और दृश्य और श्रव्य की बात करें ठीक है तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सादृशी यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं मतलब जो प्रगीत हैं वे भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं की तरह ही प्रतिध्वनित करते हैं अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उबुद्धता के लिए आवश्यकता है और इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आवश्यक आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त व्यक्त होता है मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः होता है अब चलते हैं अगले प्रश्न पर हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है सौधारण स्पष्ट कीजिए हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का क्या स्थान बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी कविताएं जब से शुरू हुई हैं सदियों बीत गई उसमें प्रगीत का क्या स्थान है क्या वैल्यू है क्या मूल्य है स्वधारण स्पष्ट कीजिए मतलब उदाहरण सहित बताइए तो प्रगीत वे कविताएं हैं जिन्हें अक्सर माना जाता है कि ये कविताएं सीधे सीधे सामाजिक ना होकर अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक्स अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो कविताएं हैं वो सीधे सीधे सामाजिक नहीं हैं वो पहले इंडिविजुअल को प्रभावित करती हैं फिर जाकर वो धीरे धीरे समाज की ओर बढ़ती हैं मतलब वो पहले व्यक्तिकता पर्सन और फिर उसकी आत्मा तक जाती हैं इसके कारण इसके लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटी में आती हैं गीति काव्य गीत शैली का नव्यतम रूप है विकास है प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की, की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त तो समझी जाती हैं मतलब प्रगीत की जो कविताएं हैं प्रगीत धर्मी कविताएं हैं वे सामाजिक वास्तविकता है उसमें सफिशियंट नहीं होती है या यूं कह सकते हैं कि प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त तो समझी जाती है और ना ही इसकी अपेक्षा की जाती है मतलब आ, ये कहा जा सकता है कि प्रगीत जो है वो समाज पर एकदम से प्रभाव नहीं छोड़ता है वो व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ जाता है एक व्यक्ति जैसे सौ व्यक्ति हैं और कोई प्रगीत गायक है या अपनी कविताओं को वहां सुना रहा है तो सौ में से एक दो व्यक्ति हैं जो उसको समझेंगे और वो अपनी आत्मा तक ले जाएंगे फिर वही अलग अलग तरीके से अलग स्थानों पर यदि कोई कविता सुना रहा है तो वो एक दो एक दो व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे तो वो समाज का रूप ले सकती है लेकिन डायरेक्टली वो समाज एक कविता के अंतर नहीं आती है ठीक है तो अब यही बताया कि छायावादी काल में प्रसाद की शेर सिंह शस्त्र समर्पण पैथोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य इसमिथक को तोड़ते हुए प्रगीतों की अलग कोटि विकसित करते हैं यस जो पहले माना जाता था कि प्रगीत सिर्फ व्यक्तिक होते हैं आत्मपरक होते हैं मतलब क्या माना जाता था कि जो प्रगीत हैं वो सिर्फ पर्सन या किसी एक दो व्यक्ति द्वारा ही मतलब व्यक्तिक थे सामाजिक नहीं थे लेकिन जब छायावादी आया प्रसाद जी आए और पहले की यदि हम बात करें तो तुलसीदास जी आए ठीक है ठीके? और निराला जी तुलसीदास जी ये जब आए तो इन्होंने सारी धारणाओं को तोड़ दिया और प्रगीतों की अलग कोटि विकसित कर दी एक अलग श्रेणी में रख दिया कि प्रगीत अपने आप में वे गीत हैं प्रगीत ऐसे गीत हैं जिन्हें गाया जा सकता है और प्रगीत वे कविता हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं ठीक है ठीके? आगे मुक्तिबोध नागार्जुन शमशेर बहादुर सिंह के प्रगीत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मुक्तिबोध मुक्तिबोध बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध कवि कि यह प्रगीत वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं के रूप में हैं जो आत्मपरक हैं आत्मसंघर्ष से उपजी हैं जिनमें सामाजिक भी निहित है ये नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी परंतु इनमें जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत हुआ त्रिलोचन ने वर्णात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं कहने के लिए तो प्रगीत है लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्य कहीं दुर्लभ हैं, मुश्किल हैं प्रगीतों में मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है अतः प्रगीत का इतिहास समकालीन कवियों का इतिहास कह सकते हैं ठीक है थीके? आप लिख लीजिएगा अगला प्रश्न है आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है क्या आप आलोचक से सहमत हैं अपने विचार व्यक्त कीजिए पहली बात तो मुझे ये बताइए क्या आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आया आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है आधुनिक जो प्रगीत काव्य है वो भक्ति काव्य से कैसे अलग है और गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है और यह भी कहा है कि गुप्त जी के जो प्रबंध काव्य थे उनसे भी विशिष्ट है प्रगीत काव्य तो बताइए कैसे क्या आपको लगता है कि हाँ हैं हाँ हैं ऐसा लगता है क्योंकि वहां तुलसीदास जी प्रसाद जी कबीर जी इन्होंने अपनी ऐसी एक मिथक जो था ना कि प्रगीत सिर्फ एक व्यक्तिक है या आत्मरक्ता है उन्होंने सब कुछ ये सारे बंधन तोड़ दो नियम से चलना छोड़ दो और प्रगीत की एक अनोखी परिभाषा रचित कर दी तो आधुनिक प्रगीत काव्य में भी प्रबंध काव्य की भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं मुक्तिबोध प्रसाद निराला नागार्जुन शमशेर की लंबी कविताएं क्रमशाह चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो पैथोला की प्रतिध्वनि हो शेर सिंह का आत्मसमर्पण हो तुलसीदास राम की शक्ति पूजा अकाल और उसके बाद इत्यादि की कविताएं उदाहरण हैं कि उन्होंने कहा है ना कि किस तरह से तो यही तो दिया है कि इन कविताओं की खास बात यह है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है मतलब कम से कम शब्दों में उन्होंने अधिक से अधिक कहने की शक्ति रखी इन काव्यों के माध्यम से और यही बात इनमें कही गई है प्रबंध काव्य की तरह इनमें भी नाटकीयता का समावेश है बिल्कुल इसमें सभी के मन तक ये बातें पहुंचती हैं साथ ही साथ सामाजिक संघर्ष के बदले आत्मसंघर्ष भी है परंतु निराला की कविता राम की शक्ति पूजा तुलसीदास में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्मसंघर्ष का भी मिश्रित रूप है अगला प्रश्न है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है हाँ ये भी सही बात है तो इस कथन का आशा स्पष्ट करें कि साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करिए अब प्रश्न कितना सुंदर है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसकी एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है मतलब कविता के अर्थों को समझना या कविता के अंदर जो भाव निहित है उनको हर एक व्यक्ति तो नहीं समझ सकता है उसको समझने के लिए ऐसे विचारों की या ऐसे मस्तिष्क की या ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो पहले से उस तरह की वेदना में चल रहा हो या उस तरह के भाव उसके मन में उथल पुथल हो रहे हो ठीक है आप देखो आलोचक की दृष्टि में प्रगीत वैसा काव्य है जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन समाज के विरुद्ध व्यक्ति या समाज से कटा हुआ हो प्रगीत का अर्थ है एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार प्रगीत की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के इस रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक है मतलब लोगों को आज भी यही लगता है कि प्रगीत सिर्फ व्यक्तिक हैं और आत्मपरक हैं लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ये केवल व्यक्तिक नहीं है ये सामाजिक हैं। क्योंकि समाज में परिवर्तन लाकर रख दिया है सूर की कविताओं ने तुलसी की कविताओं ने तुलसी की र, जो चौपाई है ठीक है साथ ही साथ प्रसाद जी की जयशंकर प्रसाद जी की हम बात करें तो वे छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज में हलचल मचा दी प्रेम का प्रेम की पराकाष्ठा को उन्होंने व्यक्त कर दिया तो जो संकुचित धारणा थी प्रगीत के संबंध में वो कहीं ना कहीं विकसित हो गई है अगला है मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है मुक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध की जो रचनाएं हैं उन पर और एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता क्यों है पुनर्विचार मतलब फिर से विचार करने की आवश्यकता क्यों है आलोचक के इस में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं तो मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा पूरा एहसास किसी को नहीं था जो भी मुक्तिबोध की रचनाएं थी उनमें सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा पूरा एहसास नहीं हो पाया जिस तरह से वे रचनाएं करना चाहते थे या जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए या सामाजिक कविताओं की रचना की वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रहा था नई कविता के अंदर आत्मबरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिनकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीमित थी और उनको फिर उनको फिर और अच्छे से व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा गया अगला प्रश्न है त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या हैं पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट वही त्रिलोचन है वह और नागार्जुन की कविता नई तन गई रीढ़ का उल्लेख किया है ये दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में दी गई हैं उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दीजिए तो नामवर सिंह जी ने ये दो जो रचनाकार हैं उनके एग्जाम्पल्स लिए हैं त्रिलोचन जी और नागार्जुन जी तो त्रिलोचन की कविताएं कहने के लिए प्रगीत हैं लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र कहने को तो कहा जाता है कि त्रिलोचन की रचनाएं केवल प्रगीत है शॉर्ट है शॉर्ट छोटी छोटी संक्षिप्त हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिया है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र उकेरे हैं ना उन्होंने अपनी कविता में उतने और किसी ने उकेरे ही नहीं है इन भाव स्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूं संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है इनमें आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्व्यक्तिक कल्प सृष्टि है जिसमें जिनसे नितांत व्यक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती वही नागार्जुन की बहिर्मुखी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी समझते हो बेटा कुछ लोग होते हैं ना जो आ, कम बोलते हैं हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने विचारों को हु बहु प्रस्तुत कर देते हैं कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो खुली किताब हूं जिसको पढ़ना है पढ़ लो और कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी तो इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट आपने सुना ही होगा ना वही है तो जो है कौन नागार्जुन की बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण भी आते हैं लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार का एक झटके से छिन्न-भिन्न कर देती है कहने को प्रगीत है परंतु जब उनकी तीव्रता आती है तो वो सब कुछ छिन्न-भिन्न कर देती है वह तन गई रीढ़ जैसे प्रेम और ममता की नितांत निजी अनुभूति हो चाहे जेल के खंचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है तो जो लोगों की धारणा थी कि प्रगीत केवल और केवल व्यक्तिक होता है उन सबका क्या था कि जो प्रगीत हैं वो सिर्फ व्यक्तिक होते हैं इंडिविजुअल ठीक है कि उनको व्यक्ति ही सुन समाज में उनको एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता या उनको इतना आ, महत्व नहीं मिल सकता समाज में लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है ऐसी रचना है नागार्जुन की ठीक है अगला प्रश्न है मित कथन में अतिकथन से अधिक शक्ति होती है केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से कथन की पुष्टि कीजिए दिगंत भाग एक में इलेवेंथ क्लास में प्रस्तुत हिमालय कविता के प्रसंग में भी इस कथन पर विचार करें आपने पढ़ाई होगा तो हिंदी के साहित्य के दौर में कविता में एक नया उभार पैदा होता है जिसमें कवि का अपना आत्मसंघर्ष तो है ही वह सामाजिक संभावनाओं की तलाश भी उसमें करता है मतलब अपने आप के मन का या संघर्ष तो उसके बीच में है ही साथ ही साथ सामाजिक जो संभावना है उनको भी तलाश करता है आज का कवि ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच करता है और ना ही बाहर के यथार्थ का सामना करने में हिचक अंदर ना तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूटा गाड़ने की जिद है और ना ही बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ बनाकर आंकने की हवस वह बाहर से छोटी से छोटी वस्तु घटना आदि पर नजर रखता है और कोशिश करता है कि उसे मुकम्मल अर्थ दिया जाए तो यहां पर मित कथन में अति कथन मतलब छोटी या फिर यूं कह सकते हैं कि गागर में सागर भरना ऐसे कई रचनाकार ऐसे कई कवि जैसे विद्यापति हुए बिहारी जी हुए और भी कई रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत कम शब्दों में इतना कुछ कह दिया यही होता है मित कथन में अति कथन, या फिर ठीक है तो छोटी सी बात में ही बहुत कुछ कह दिया जाए मित कथन में अति कथन, ठीक है वह अपने आत्मसंघर्ष की सामाजिक संघर्ष बनाने की चाहत है इसका उदाहरण मुक्ति बोध की कविता हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष उनके कवियों का आत्मसंघर्ष है और वही संघर्ष का रूप ले लेता है एक में प्रतीकात्मकता सीमित हुई नजर आती है तो दूसरे में प्र, प्रगीतात्मकता नॉट प्रतीकात्मकता प्रगीतात्मकता जिसको सिर्फ व्यक्तिक या आत्मरक माना जाता था तो एक में क्या समझ में आता है प्रगीतात्मकता सीमित तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम भी उद्घाटित हो जाते हैं कभी कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहता है जो बात कम शब्दों में कही जाती है वह गहरे अर्थ रखती है कविता का अर्थ करने पर उसके कई स्तर धीरे धीरे खुलते जाते हैं केदारनाथ सिंह यह कहना चाहते हैं कि संबंधों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए जो भी संबंध हैं सामाजिक संबंध हो व्यक्तिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध मित्रवत संबंध कभी भी इन संबंधों में खटास नहीं आनी चाहिए ठीक है उसमें हमेशा गर्माहट और उसकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए हाथ की तरह गर्म और सुंदर में कभी बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं और भविष्य की आकांक्षा को मजबूती बनाए रखना चाहता है इन थोड़े से शब्दों में कभी अधिक गहरी चोट करता है अतः अधिक बोलने से अच्छा कम बोलना है क्योंकि वह ज्यादा प्रभावी होता है कम बोलो मीठा बोलो ठीक है लिसन मोर स्पीक लेस जितना हम कम बोलते हैं उतना ही वो मीनिंगफुल होता है और इतना ही उतना ही सबके द्वारा सुना भी जाता है यदि हम चक्कर कचर पचर करते रहेंगे तो कोई हमारी बात सुनना पसंद नहीं करेगा अगला है हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है तो हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार दिखता है ठीक है और वह देखता है कि आज के कवि को ना तो अंदर झांक कर देखने में संकोच होता है और ना ही बाहर की वास्तविकता का सामना करने में कोई हिचक अंदर ना तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और ना ही बाहर की व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस है मतलब वो जो करना है उनको करना है जैसी रचना करना है उनको करना है दिखाना है तो दिखाना है बस कोई संकोच नहीं है बाहर छोटी से छोटी घटना स्थिति वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया और क्रिया बच्चे अक्सर पूछते हैं मैडम प्रतिक्रिया मीन्स क्या होता है तो सुनो क्रिया जैसे कोई भी क्रिया हुई तो एक्शन हुआ प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन हुआ उस साइड से जो हमें रिएक्शन मिला तो उसके अंदर इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रगीतात्मकता की उभार का संकेत है अर्थात जो नए रचनाकार हैं जो नए कवि हैं जो उनके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है और उन्हें यह नहीं लगता कि भाई हम क्या करें कैसे रचना करें बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक आप चलते हैं हम बारहवें प्रश्न पर जो कि है दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए तीव्रता समाज व्यक्ति आत्मा प्रसंग विचार इतिहास स्मरण शर्म लक्षण इंद्रिय ये देखो तीव्रता है तो तीव्रतम ये विशेषण हो जाएगा समाज सामाजिक व्यक्ति व्यक्तिक आत्मा आत्मीय प्रसंग प्रासंगिक प्रसंग, विचार वैचारिक इतिहास ऐतिहासिक स्मरण स्मरणीय शर्म शर्मीला इस साइड से आएगी इसकी मात्रा लक्षण लाक्षणिक इंद्रिय एन्द्रिय ठीक है तो ये हो जाएगी इनकी विशेषता प्रगीत और समाज आशा करती हूं आपने प्रगीत और समाज को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और समझ भी लिया है कि कवि नामवर सिंह जी हमसे क्या कहना चाहते हैं जो प्रगीत एक संक्षिप्त रूप में उभर कर आया था वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है जिसको समझा जाता था कि ये मात्र व्यक्तिक है या आत्मपरक है वो सामाजिक है इसलिए कविता का नाम ही है पाठ का नाम ही है प्रगीत और समाज तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है समझ में आया है और प्रगीत और समाज से कोई भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं तो आई होप मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से आंसर लिख आ पाएंगे तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहो हम हैं आपके लिए मैन एड ब्रेन से आप सभी के लिए बिल्कुल नियमित रूप से वीडियोस देखते रहो सभी विषय के वीडियोस देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहना खुश रहना बाय बाय थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट